कमल एकेडमिक कोच में आपका स्वागत है। जो टीचर्स की टीम हम लोगों ने बनाई है बहुत मेहनत कर रही है आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो आइए जानते हैं अपने टीचर्स से कि आज हमारे बच्चों को वो क्या पढ़ाने वाले हैं। तो जल्दी से आप बने रहिए चैनल पे और देखते रहिए सारी वीडियोस को अच्छे से, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखते हैं बच्चों को आज क्या पढ़ाया जाता है। वाइल्ड एनिमल्स चैप्टर 4, एलिफेंट्स, लायंस, टाइगर्स, बर्ड्स एंड मैनी अदर एनिमल्स। दोज एनिमल्स आर लिव इन फॉरेस्ट आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स आर लिव इन फॉरेस्ट, ट्रीज एंड वाटर। सम एनिमल्स आर लिव इन होल्स, एग्जाम्पल स्नेक, मोल एक्सेट्रा। सम एनिमल्स लाइक क्रोकोडाइल एंड फ्रॉग lives in water and land are called amphibians. Next, animals can be following different types. Animals जो हम चारों तरफ देखते हैं बहुत तरह के होते हैं, तो उनके भी जो types हैं वो कई प्रकार के होते हैं। जैसे number one, herbivores. Herbivores plant eating animals, example deer, elephant. यानी जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं आर कॉल्ड हर्बीवर्स। नेक्स्ट कार्निवोर्स। कार्निवोर्स फ्लैश ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स, एग्जांपल लायन, टाइगर एक्सेट्रा। नेक्स्ट स्केवेंजर्स। स्केवेंजर्स ईट फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स, एग्जांपल फॉक्स, वल्चर एक्सेट्रा। नेक्स्ट आता है हमारा ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स होते हैं ईट बोथ फ्लैश एंड प्लांट, दोनों चीजें खाते हैं, एग्जाम्पल डॉग, बियर एक्सेट्रा। यानी जो प्लांट्स खाते हैं ओनली प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं वो हमारे होते हैं हर्बीवोरस, और जो हमारे फ्लैश खाते हैं, ताज़ा मांस खाते हैं दूसरे जानवरों का जैसे लायन टाइगर, वो हमारे कहलाते हैं कार्निवोरस। और जो हमारे मतलब मांस को खाते हैं केवल मरे हुए मांस को, और हमारे जो वातावरण सराउंडिंग है उसको क्लीन भी रखते हैं, वो कहलाते हैं स्केवेंजर्स। क्योंकि जो पक्षी जानवर मर जाते हैं उनको वो खाते हैं, वो हमारे आते हैं स्केवेंजर्स। जैसे फॉक्स है, वल्चर है, आपने देखा होगा गिद्ध है, लोमड़ी है, तो ये अगर मरा हुआ मांस नहीं खाएंगे तो हमारा सराउंडिंग जो है वो क्लीन नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं ओमनीवोरस, जैसे डॉग और बियर, ये मरे हुए मांस को भी खाते हैं और हमारे प्लांट्स को भी खाते हैं, ये दोनों पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग इस चैप्टर को रीड करेंगे अच्छे से। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।